हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कैसे करें यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि इंटरनेट पर अपना वर्क करते हैं, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग हो गया या फिर इन्फ्लुएंसिंग हो गया या फिर एक इंटरनेट पर एंटरप्रेन्योर है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को गूगल एक ऐसा फीचर देने वाला है जिसकी मदद से आप इंटरनेट पर अपना एक आइडेंटिटी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी कार्ड एक तरीके से आप लोगों का गूगल प्रोफाइल कार्ड रहेगा, जिससे अगर कोई भी व्यक्ति आपके नाम को अगर गूगल पर सर्च करेगा तो उसे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें आपका वर्क और आप कितने साल का उस फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं, साथ ही आप अभी क्या वर्क कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किस चीज़ में जो है स्पेशलिस्ट हैं, किस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस है। इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद में गूगल आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट कर देता है, और जब कभी भी अगर कोई व्यक्ति आपका नाम लिख करके गूगल पर सर्च करेगा तो वो आप लोगों के लिए एक विजिटिंग कार्ड टाइप से क्रिएट करके देगा, और उस व्यक्ति को डायरेक्टली आप लोगों से कॉन्टेक्ट करने का भी एक ऑप्शन दिया जाएगा। सपोज़ कर लीजिए कि अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं अपनी गूगल पर एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूं कि कस्टमर्स मुझसे किसी भी तरीके से जो है वो सर्च करें और मेरे बारे में जान पाएँ, तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा। इसके लिए अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा और गूगल पर जा करके मेरा नाम लिख करके सर, तो उसे अभी मेरे बारे में किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर मैं अपना गूगल पीपल कार्ड क्रिएट कर लेता हूँ, तो उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति मेरा नाम लिख करके गूगल पर सर्च करेगा तो उसे मेरी पूरी प्रोफाइल दिखाई देगी विथ माई फ़ोटो। तो गाइस, अगर आप भी एक इन्फ्लुएंसर है, वेब डिज़ाइनर है, या फिर किसी भी टाइप का ऑनलाइन वर्क करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, और अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, तो गूगल आप लोगों को ये फीचर दोस्तों फ्री में दे रहा है। दोस्तों गूगल पीपल कार्ड क्रिएट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को सिंपली सबसे पहले एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर गूगल को ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल को ओपन करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर सर्च करके लिखना है सबसे पहले अपना नाम। तो मैंने अपना यहाँ पर नाम लिखा और सर्च किया, एड योर सेल्फ टू गूगल सर्च के नाम से आप लोगों को ऑप्शन दिया जा रहा है, और इसी के नीचे आप लोगों को दिया हुआ है गेट स्टार्टेड। तो मैंने सिंपली गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर दिया, जिससे मेरे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस न्यू पेज में मुझे सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा कि मैं किस हेल्प से अपनी ये प्रोफाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने सिंपल यहाँ पर अपने उस ईमेल को क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पर दोस्तों जो है अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर लेता हूँ। सबसे पहले आगे यहाँ से आप लोगों को अपनी कंट्री सिलेक्ट करना होगी कि आप किस देश से हैं। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली आप लोगों को अपना नंबर एंटर कर देना है। नंबर एंटर करने के बाद में सिंपली आप लोगों को फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, और फिर आप लोगों को उस ओटीपी को यहाँ पर सबमिट करके सिंपली जो है नेक्स्ट कर देना है। देख पाएंगे दोस्तों कि वो जो है ओटीपी मेरा कन्फर्म हो चुका है, और अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रिएट अ पब्लिक प्रोफाइल। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे ओके गॉट इट है, तो मैंने सिंपली कर दिया ओके गॉट इट। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको अपनी प्रोफाइल पर जो है सिंपली कुछ डिटेल्स को एंटर करना होगा। जिस भी ऑप्शन के पीछे आप लोगों को स्टार लिखा दिखाई दे, इसका मतलब ये कि वो इन्फॉर्मेशन फिल करना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरा नाम तो ऑटो फिल हो चुका है, अब मुझे अपनी लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों सिंपली आप लोगों को अब अपने बारे में अबाउट की जानकारी देना है, यानी कि आप क्या वर्क करते हैं, आप किस चीज़ में जो है स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं अपने सिंपल यहां पर एंटर कर देता हूं। उसके बाद सिंपली दोस्तों आप लोगों को बताना है ओके ऑप्शन, यानी कि अभी आप क्या काम कर रहे हैं, आप जो भी अपना काम कर रहे हो आपको सबसे पहले यहाँ पर बताना है। उसके बाद में आपको दोस्तों सिंपली जो है आप अपनी जो है अब डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, जैसे कि वर्क, आप अभी क्या वर्क कर रहे हैं आप वो बता सकते हैं। इसके अलावा आपको दोस्तों अपना एक एजुकेशन बताना है कि आपकी एजुकेशन क्या है, और साथ ही आप लोगों को एजुकेशन सेक्शन में यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। फिर आप लोगों को यहाँ पर अपना होम टाउन सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है वन बाय वन अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर देना है, और फिर अगर आप लोगों के पास में अपनी खुद की एक पर्सनल वेबसाइट है या फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो आपको यहाँ पर उसका लिंक डाल देना है। फिर इसके साथ दोस्तों अगर आप लोग अपनी सोशल प्रोफाइल्स को भी यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सोशल प्रोफाइल्स के पीछे दिख रहे प्लस के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, और अपनी प्रोफाइल्स को यहाँ से लिंक पेस्ट कर दीजिएगा, और फिर सिंपल सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप वन बाय वन अपनी प्रोफाइल्स को ऐड कर सकते हैं, और फिर आप लोगों को अपना वर्क का ईमेल एड्रेस दे देना है, फिर अपना फ़ोन नंबर दोस्तों दे देना है, और इस तरीके की दोस्तों सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में सिंपली आप लोगों को प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कर देना है।
आप देख सकते दोस्तों कि अब आप लोगों को अपनी प्रोफाइल का जो है प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपका नाम अगर गूगल पर सर्च करेगा तो आपको किस तरीके की आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। अब मैंने सिंपली दोस्तों इसके लिए जो है सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। अब मैंने सिंपली व्यू सर्च कार्ड पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते दोस्तों कि अब मेरे सामने जो है यहाँ पर मेरी प्रोफाइल दिखाई दे रही है, और इस प्रोफाइल में मैंने जो कुछ भी डिटेल्स फिल करी थी जैसे वर्क ऑक्यूपेशन एंड मेरा अबाउट मी सेक्शन, साथ ही मेरी प्रोफाइल लिंक्स, होम टाउन और मेरे एजुकेशन, सारे सब कुछ दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मेरी जो प्रोफाइल पर मैंने पोर्टफोलियो अपनी वेबसाइट फिल करी थी वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से अपनी गूगल पीपल कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल कार्ड है, अगर कोई भी व्यक्ति अब नेक्स्ट टाइम आपके नाम को लिख करके गूगल पर सर्च करेगा तो उसे आपकी पूरी डिटेल दिखाई देगी। इस तरीके से डायरेक्टली वो आपसे बड़ी आसानी से दोस्तों कॉन्टैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपको अपनी प्रोफाइल में कुछ भी तरीके का कोई भी चेंजेस करना है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार किस तरीके से हम गूगल पीपल कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम हमारी सर्च विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ओके गाइज, दिस इज़ कैसे करें यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।